क्या मुख्य कारण? कल रात को अस्पताल के अंदर कुछ बाहर के मतलब असामाजिक तत्वों ने आके डॉक्टर को धमकाया, जान से मारने की धमकी दी और बिना किसी कारण के अस्पताल में 4 घंटे बाधा डाली काम में। और उसके बाद मतलब डॉक्टर से हाथापाई तक करने की नौबत आ गई थी। उसके विरोध में आज उन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा ओपीडी सर्विस बंद थी, इमरजेंसी सर्विस हमने सुचारू रूप से दी हैं। इसी के विरोध में जब तक कि वो जिन लोगों ने कल हमारे काम में बाधा डाली गई है उसको अरेस्ट नहीं करते हैं या उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं करते हैं, कल हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट उन्ना की ओपीडी सर्विसेज बंद रहेंगी। कल हम सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज देंगे अपनी ओपीडी में और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक जो कल्प्रिट्स थे उनको अरेस्ट ना किया जाए या उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए। सर, जिन लोगों ने रात हंगामा किया उन लोगों का भी आरोप था कि जो चिकित्सक इमरजेंसी ड्यूटी पर थे उन्होंने शराब पी हुई थी और उसी के बाद उन्होंने माफी भी मांगी है डॉक्टर को, ऐसा हमारी नॉलेज में कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज सारी हैं, हमारे पास पूरी डिटेल है और उसमें यह था कि इस तरह की हमारे को कोई की नहीं, क्योंकि इमरजेंसी में उस टाइम पे चार पांच पेशेंट सिक पड़े हुए थे। डॉक्टर कैंपस से बाहर जाके पेशेंट नहीं देख सकता, डॉक्टर उस टाइम कैंपस में ऑलरेडी सिक पेशेंट्स को देख रहा था। पेशेंट 108 में आया था जहां 4 लोग आके अंदर पेशेंट के लिए लड़ने के लिए पेशेंट को डॉक्टर को बाहर बुला रहे थे, वो 108 की जो स्ट्रेचर था स्ट्रेचर से डॉक्टर पेशेंट को अंदर लाके ला दिखा सकते थे। बंद है, बंद है, हड़ताल पर है, सारे छुट्टी पर है।